सुप्रभात बच्चों बच्चों आज मैं आपको हिंदी में शब्द बनाना पढ़ाऊंगी। शब्द कैसे बनते हैं, पहले तो हम शब्द बनाना सीखें। शब्द कैसे बनते हैं बच्चों, शब्द अक्षरों के मेल से बनते हैं। तो अक्षर क्या है, ये जैसे ये है ग और ये है ब, ये दोनों अलग अलग है तो क्या है, अच्छा है। यदि हम इसे दोनों को एक में मिला दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शब्द। तो इस तरह हम शब्द बनाना आज सीखेंगे। तो आज हमने यहाँ कुछ अक्षर लिखे हैं और इसे शब्द बनाए हैं, आप इसे मेरे साथ पढ़ो। और से अनार, अनार जो कि एक फल होता है, और से अब यानी अभी, आ, आ से आम, आम एक मीठा फल होता है जो कि गर्मी में होता है, और आ से आल जिसपे हम लोग खाना बनाते हैं, इसे इमली एक खट्टा खट्टा फल होता है, और इसे इधर यानी इधर आना तो बड़ी, इसे ईख, ईख को हिंदी में गन्ना भी कहते हैं और इसे चीनी बनती है, और इसे बड़ी इसे ईद, ईद जो कि मुसलमानों का त्यौहार होता है, उसे छोटी उसे उल्लू एक पंछी होता है जिसे रात में दिखाई देता है, और उसे ऊन, ऊन से हम क्या करते हैं तो स्वेटर बनाते हैं, और जिसे हम गर्मी में ठंडा के समय में हम पहनते हैं और हमें गर्मी देता है। ऋषि, ऋषि, ऋषि जो कि तपस्या करते हैं, और ऋषि ऋचा जो बच्चों का नाम होता है, ऐसे एरी जो हमारे पैर के निचले भाग में होते हैं, और ऐसे ए गिनती के पास गिनती का पहला नंबर एक होता है, ऐसे ऐनक, ऐनक में चश्मा होता है, और ऐसे ऐरावत, ऐरावत हाथी होता है जो कि इंद्र के पास होता है। तो बच्चों आज हमने और से ऐसे अक्षरों से शब्द बनाना सीखा, इसे आप घर पे अभ्यास करोगे।